सीरियल अनुपमा में काव्या की धमकी पड़ेगी उसी पर भारी। जी हां दोस्तों, देखने को मिलता है कि अनुपमा वनराज और काव्या के बीच में सभी कुछ चीजें सुलझाने की कोशिश करती है और एग्जांपल देती है कि हम हमारे बच्चों के सामने क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं शादी का और रिश्तों का, कि मजाक बन के रह गया और अब हमारी जनरेशन तो इससे विश्वास ही उठा रही है। बाकी को देखो कैसे उसका विश्वास उठ चुका है शादी के रिश्ते से, कि लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो दोनों में ही इतने ही झगड़े होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वनराज इस बात को कहीं ना कहीं मानने को तैयार होता है, लेकिन तभी काव्या अपने आप को मारने की कोशिश करती है और वनराज का गुस्सा फूटता है और उस पर चोट लग जाती है काव्या पर, और वो कहती है कि अब देखना मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा केस लगाऊंगी, और वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का। जिसके बाद वनराज कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ इस शादी के रिश्ते में बिल्कुल नहीं बंधने वाला हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अनुपमा इन दोनों को ही समझाते नजर आती है और काव्या को कहती है कि रिश्तों को अगर तुम संभाल नहीं सकती हो तो कम से कम अपने गुस्से में काबू तो रखो कि बिगाड़ रहा हूँ नहीं, और बात कर रही हूँ ना मैं, और काव्या कहती है कि हाँ तुम ही ने तो पहले आग लगाओ और उसके बाद में बुझाने के लिए यहाँ पर पानी लेकर आ गई हो, और वो उसे ही धमकाते हुए नजर आती है जिस तरह से वो उसे कुछ बोलना आता नहीं है और वो कुछ भी बकवास करती है। जिसके बाद काव्या की ये बकवास सुनकर अनुपमा कहती है तुम पागल हो चुकी हो, और वनराज को भी समझाती है और काव्या को भी कि अगर ये रिश्ता बन चुका है तो फिर क्यों इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, काव्या आपसे सच्चा प्यार करती है, और वनराज को समझाते नजर आती है कि उसकी एक गलती की वजह से इतने सालों के प्यार पर तो ऐसा मत करो, अगर आज बा और बापूजी दोनों ही अब अगर बापूजी बा को माफ नहीं करते तो क्या आप उनके बिना रह पाते, और अगर बापूजी को बा को सजा देते तो क्या आपको अच्छा लगता। जिसके बाद वनराज को ये बात समझ में आती है कि शायद अनुपमा सही कह रही है कि उसकी एक गलती को माफ कर देना चाहिए, उसने जो भी किया है उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है और अब परिवार को बांधने के लिए उसने अपनी गलती सुधार भी तो ली है और घर फिर से बा और बापूजी के नाम भी करवा दिया है। जिसके बाद यहाँ पर अनुपमा इन दोनों के बीच में सुलह जरूर करवा देती है, लेकिन वनराज के दिल में सिर्फ अब जुनून है पैसों का, जो कि काव्या पर ही भारी पड़ने वाला है कि वो उसे बिल्कुल वक्त नहीं देने वाला है, और वही कंडीशन अनुपमा वाली काव्या के साथ हो जाने वाली है। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पर आकर खड़ी हो चुकी कहानी, जहाँ पर एक तरफ वनराज की हेट स्टोरी है तो अनुपमा की लव स्टोरी जो कि उसके साथ शुरू हो चुकी है, और उनकी स्टोरी में भी एक नया ट्विस्ट आएगा एक न्यू एंट्री के साथ। लो आप कितना एक्साइटेड कमेंट करके जरूर बताएं।